हेलो फ्रेंड्स, ये समर्सिबल मोटर है। इसके अंदर से ये 3 कोर की वायर निकली हुई है कॉपर वाली। इसको अंडरग्राउंड करके मिट्टी के थ्रू दाब के इसको हम यहाँ जंक्शन बॉक्स लगा के ऊपर हम मेन बोर्ड के नीचे इसको बैंड के थ्रू यहाँ पे तार लेके आएंगे और यहाँ स्टार्टर लगाएंगे। ये हमारा एक पोर्च है, पोर्च में लाइट फिटिंग की हुई है। इन लाइट फिटिंग में हमने MCB के साथ स्टार्टर लगाएंगे। अब ये 3 कोर की वायर है 1.5 mm, इसको पाइप के अंदर डालेंगे जिससे वहाँ स्टार्टर लगाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्टर के जो होल का निशान लगा के इसको ड्रिल कर लेंगे। ड्रिल करने के बाद गिट्टी लगा लेंगे। गिट्टी लगाने के बाद हम इसमें स्टार्टर को पेच के थ्रू टाइट कर लेंगे। पेच से हम अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे। दोनों साइड की इसमें दो ही होल होती है तो दोनों साइड दो पेच के थ्रू हम इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको 3 कोर की वायर जो है इसके अंदर स्टार्टर में कनेक्शन कर, तीनों वायर RYB के हिसाब से इसको कनेक्शन कर लेंगे। एक बार वायरिंग नहीं हुई है तो इसको टेम्परेरी एक बार अलग से सप्लाई देके चालू करेंगे। सप्लाई देकर हम अच्छी तरह से इसको चेक कर लेंगे। इसको अलग से सप्लाई दे दी हमने, इसको लाइट चालू करके चेक करके देख लेंगे। पानी मोटर चल गई है, एकदम ओके है।